हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि एडू अंकुरन की टीम के द्वारा जेपीएससी मेंस, जो आप लोग नागपुरी जो भी ऑप्ट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेंस का फुल प्रिपरेशन एडू अंकुरन टीम के द्वारा कराया जा रहा है, उसी के कड़ी में आपको जेपीएससी में आंसर राइटिंग में क्या करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से मैक्सिमम स्कोर हम लोग गेन कर सकें, वो सभी चीजों को आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करनी है ना, तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल आपके दिमाग में रहना चाहिए, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो का उसका एक खाका मतलब होता है ना, उसका एक मतलब कि एक डायग्राम टाइप का आपके दिमाग में एकदम रहना चाहिए कि भाई ये सिलेबस है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको बताया जाएगा कि देखिए भाई, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस तरह के प्रश्नों को कितना पेज लिखना चाहिए, कितने मिनिमम मैक्सिमम वर्ड्स होने चाहिए, कितने डायग्राम होने चाहिए, वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बतला रहे हैं। तो देखिए, नागपुरी लैंग्वेज का जो पेपर हुआ था, एक उस पेपर को आपके सामने रखा जा रहा है, जिसमें कि नागपुरी का जो मेंस पेपर होगा उसमें 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है, पर्याप्त समय रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 150 मार्क्स होता है। अच्छा, कुछ लोगों के पास अभी भी अगर डिलेमा में बैठे हुए हैं कि मार्क्स आउला कि नहीं आउला, आता हो कि नहीं आता हो, भाई इस तरह का डिलेमा मत रखिए। लैंग्वेज पेपर है तो इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 150 है तो इसमें 90+ हम लोगों को स्कोर करना ही है, ठीक है, 90+, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों का कहना कि नहीं सर, इस पेपर में आ रहा है, उस पेपर में तो ज्यादा आता है। अब उस पेपर में आता है तो उसी को ऑप्ट कीजिए अगर आपको लगता है तो, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, या फिर हमारी टीम जो लोग प्रैक्टिस किए हैं, या फिर पहले से यूपीएससी वगैरह के एग्जाम कंडक्ट किए, मतलब कि अटेंड किए हैं, उन लोगों का कहना यही रहता है कि पेपर वो लेना चाहिए जिसमें कंटेंट एक नंबर का हो, शिक्षक एक नंबर के हों, ठीक है, और उस सबसे भी ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंट हों। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो भी पेपर हम ले रहे हैं हम उसमें सही करके रहेंगे, उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स उठा के रहेंगे, तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। ये पहला गुरु ज्ञान आपके सामने रख दिया गया है। इन जनरल जो भी यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी ये सब की तैयारी करते हैं वो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो कोई मार्क्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है उस पर ज्यादा तवज्जुब ना देते हुए मैं कितना मार्क्स लाऊंगा इसको अपने दिमाग में रखिए और आगे बढ़िए। चलिए, अब क्वेश्चन में आते हैं। 3 घंटे का समय रहता है, 150 नंबर आपको मतलब कि टोटल मार्क्स रहता है। नियम क्या है, निर्देश जो है वो, कुल 6 सवाल कर जवाब दे, मतलब कि टोटल 8 प्रश्न रहेंगे, इन 8 प्रश्नों में आपको 6 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, 8 में से 6 क्वेश्चन को देना है। अच्छा, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य है, अभी हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और हर एक खंड से 1 और 5 अनिवार्य सवाल कर अलावे कम से कम 1 सवाल कर जवाब एक खंड से देवे जरूर होगी, मतलब हर एक खंड से 1 क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, ठीक है। 1 और 5 जो क्वेश्चन नंबर है होगा ना, भी 8 क्वेश्चन होंगे ना, तो उसमें पहला नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन आपको लिखना अनिवार्य है। उसके अलावा जो खंड होंगे उसके हर एक खंड से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना भी जरूरी है। एकदम समझ गए हैं निर्देश, इसी ढांचे पे इसी ढर्रे पे एग्जाम होता है। चलिए अब आगे बढ़े। पहला है देखिए खंड क, तो खंड क में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना आपको अनिवार्य है, इसको लिखना ही है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, हेठे सवाल मन से कोनो 5 सवाल कर जवाब संक्षेप में लिखू, 7 नंबर हर एक क्वेश्चन में है, 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, 7 नंबर हर एक क्वेश्चन में है। दैट मीन्स एक देखिए स्टैंडर्ड होता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी जेपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड 1 बना दिया गया है, ठीक है, कि अगर 7 to 10 marks का अगर कोई क्वेश्चन है, समझिए मेरी बात को, 7 से 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है
तो मिनिमम 150 वर्ड होने चाहिए, 150 वर्ड्स होने ही चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा आप लिखें तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन बिना वजह के पेज भरने से भी कोई जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब कि डेढ़ पेज, ये जो भी सवाल आपको दिख रहा है ना, इसमें से डेढ़ पेज में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी टीम के द्वारा आपको वो बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि किस तरह से आपको सवाल को फ्रेम करना है, आंसर को फ्रेम करना है, और किस तरह से उसको जवाब लिखना, ये हम लोग कराएंगे आप लोगों को, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कराएंगे। लेकिन अभी हम आपको बता दे रहे हैं, इन जनरल अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 150 वर्ड लिखना है, और साथ ही साथ आप लोग एक डायग्राम, कोई भी एक डायग्राम पुट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, कोई भी एक डायग्राम, जैसे कि ये 5 है ना, इसमें कुछ ना कुछ डायग्राम डालने की जरूर कोशिश कीजिएगा, आपको मार्क्स उसी से आएंगे। सिंपल खिचड़ी मत बनाइए, सिंपल लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना सीखिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो एक करेक्ट अप्रोच होता है। 7 मार्क्स, 150 वर्ड्स, एक डायग्राम, ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को उठा के देखते हैं, जैसे कि नागपुरी भाषा कर उद्भव कर बारे में विद्वान मनक मत या विचार के बताओ, ठीक है। अब नागपुरी भाषा का जो उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ, उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट विद्वान लोगों ने अपने अपने राय दिए हैं, ठीक है। तो अब इस राय को ना आप लोग ना जरूर से उसको क्या बोलते हैं, सेग्रीगेट या नॉर्मलाइजेशन हम लोग कहते हैं, नॉर्मलाइज कीजिएगा, तोड़िएगा, ठीक है। जैसे आप बताइएगा कि प्राचीन काल में ये होता है, मिडिवियल में ये हुआ, फिर आधुनिक काल यहां से यहां तक हुआ, तो उसको एक डायग्रामेटिक वे में आप लोग अगर रिप्रेजेंट कीजिएगा तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेगा, औरों से हट के जवाब होगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब नागपुरी भाषा का उद्भव के बारे में कई तरह के लोग हैं, कई तरह के विचार दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बोले थे कि ये भोजपुरी की ही एक उपबोली है, उसको कृष्णदेव उपाध्याय और कुछ और विद्वान मन लोग उसका सहमति भी दिए थे, लेकिन बाद में फिर श्रवण कुमार गोस्वामी आए, श्रवण कुमार गोस्वामी अपनी राय दिए कि नहीं भाई, नागपुरी भाषा की एक स्वतंत्र सत्ता है, इसमें अपनी हिंदी का प्रयोग होता है, आप समझ रहे हैं। ये सब चीज को ना लिख लिख के, मतलब कि थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में जोड़ जाड़ के, जैसे अपनी हिंदी वर्ड जरूर लिखिएगा इसमें, अगर मान लीजिए आप बताइएगा उद्भव के बारे में, तो शुरू में तो जरूर से लिखिएगा कि भाई पहले तो बोला था कि ये बिहारी भाषा है, फिर बोला कि नहीं भोजपुरी की उपबोली है, बिहारी का 4 फॉर्म बोला है, उसी का 4th फॉर्म जो है वो नागपुरी है, ऐसे करके बताया गया, वो हम लोग सब कुछ आंसर देंगे आपको, लेकिन हम इन जनरल आपको बतला रहे हैं। तो उसके बाद आप फिर एक पैराग्राफ चेंज करके जरूर से लिखिएगा कि अपनहिति के प्रयोग के बारे में श्रवण कुमार गोस्वामी ने बतलाया, यही अपनहिति जो है वो और भाषा से इसको अलग किया, ठीक है। अब जैसे कि रात, रात को हम लोग बोलते हैं राइट, भात, भात को बोलते हैं भाई, तो ई शब्द का प्रयोग अपनी हिति को दर्शाता है। इस तरह से आप लिखिएगा, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, और उस सबको लिखते लिखते ना 150 वर्ड कम पड़ जाता है, ठीक है। अगर आप लोग जैसे भी हम लोग जो मटेरियल तैयार किए उसमें देखते हैं 150 वर्ड कम पड़ जाता है, और बहुत मजा भी आता है, तो उसको आप लोग कीजिएगा तो एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। साथ ही साथ फिर आप लोग लिखिएगा कि फिर गोस्वामी और बीपी केसरी जो अपना शोध पत्र डाले, उसमें बीपी केसरी जो है वो 3 तरह का काल बताए, प्राचीन काल बताए, मध्य काल बताए, और फिर आधुनिक काल बताए। प्राचीनिक काल जो है वो 1700 ईस्वी से बताए, ठीक है। प्राक काल, आदि काल जो है 1700 से लेकर आपका 1850 तक बताए, मध्य काल 1850 से 1950 तक बताए, फिर आधुनिक काल 1950 से लेकर अभी तक बताए। लेकिन वही श्रवण कुमार गोस्वामी जो थे वो बोले कि भाई हम इसको साहित्यिक रूप में डिवाइड करते हैं, तो उसमें वो साहित्यिक रूप बताएं, श्रृंगार रूप बताएं, और एक और कुछ है वो भी हम आप लोग को बतलाएंगे, वो सारा कुछ आप लोग को कराया जाएगा। तो एक डायग्राम बनाते हुए आंसर लिखिए, ठीक है। विद्वान मनक का बह तो ये विद्वान ये बोल दिया, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। अब जैसे नागवंशियों की राजभाषा बनी कि 6400 ईस्वी के समय नागवंशियों का शासनकाल शुरू हुआ था, या फिर उसके मतलब कि हम लोगों को आलेख मिलते हैं, ठीक है, जो चीज लिखित रूप में मिला है उसी को ना हम लोग लिखेंगे। तो साहित्यिक रूप की बात बता रहे हैं, लेकिन आपको डॉक्टर रामप्रसाद की बुक अगर पढ़िएगा तो उसमें वो बतला रहे हैं कि नहीं भाई, ईसा का जो जन्म हुआ था ना, उससे 200 साल पहले से नागपुरी भाषा चलते आ रही है, समझ रहे हैं इस सब बात को। तो इस तरह से सारा चीज का मतलब कि एक कंसोलिडेटेड वे में आप अगर लिखिएगा, 150 से ज्यादा वर्ड होने चाहिए, एक डायग्राम डालना ही है, ज्यादा डालिएगा तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बिना वजह के भी डायग्राम नहीं ठूसना है ना, तो उसको अगर डालिएगा तो आपका मार्क्स बिल्कुल आएगा। और
अगर कंटेंट का नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से रहेगा तो उसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। और हम लोग भी जो आपको पेड बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग आपको एक स्टैंडर्ड आंसर देंगे, आप लोग उसको अपने अलग वे में लिखिएगा, कहे कि क्वेश्चन देंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग जितने भी लोग हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट आंसर होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो लिखे हैं वही बेस्ट है, ये सोच के फिर आगे बढ़ना है, फिक्स चीज है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 150 या 150 से ज्यादा वर्ड लिखना है, एक डायग्राम जरूर होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, बुलेट्स और पॉइंट्स का यूज करना ही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा और उसे डिफरेंट रहेगा आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नागपुरी में भूतकाल कर भेद मन के उदाहरण सगे लिखो, तो भूतकाल के जो भेद हैं उसको लिखिए। तो आप फिर आप बोलेगा अब इसमें हम कहां से डायग्राम डालेंगे सर, ठीक है, तो इसमें भी डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते। जैसे कि अगर आप भूतकाल की बात कर रहे हैं तो काल का मतलब ही क्या होता है, समय होता है। तो क्रिया में क्रिया प्लस समय या अवस्था, ठीक है, इसको कीजिए और इसको इस तरह से बॉक्स के अंदर रख दीजिए। आप समझ रहे हैं, लिखने का टेक्निक समझिए। जैसे क्रिया, क्रिया में ही ना अवस्था और समय जो होता है वो चेंज होता है, तो वही ना भूतकाल हो जाता है, समझ रहे हैं बात को। तो उसको रिप्रेजेंट कीजिए और उसको इस तरह से एरो मार्क देके लिखिए भूतकाल, और उसके बाद फिर लिखिए उसका क्या कहते हैं, उसका परिभाषा लिखिए, उसके बाद उसका भेद लिखिए, तब फिर समय समझ में आ जाएगा एक नंबर, ठीक है। तो उस तरह से जितना भी भेद है, छठो भेद है तो छठो भेद है, अब छह भेद का उपभेद भी अगर लिखना चाहते हैं तो उसको भी एकदम उदाहरण के साथ लिखिएगा, एक नंबर होगा। चलिए आगे बढ़े, अव्यय का के कहना, अव्यय जो होता है वो उसका क्या, तो अव्यय का महत्व क्या है व्याकरण में, ठीक है, वहां से शुरू कीजिए, जो कभी व्यय ना हो, जो अविकारी हो, जो इसको खंड ना किया जा सके, इस तरह से लिखना शुरू कीजिए, फिर उसकी परिभाषा दीजिए, फिर उसका कहां कहां प्रयोग है, फिर उसका कहां कहां प्रकार है, इस तरह से लिखिएगा एरो मार्क्स में। इस सबका वीडियो, अव्यय का वीडियो अभी हम लोग बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे, नागपुरी में कई किस्म का वाक्य पावल जाएगा। देखिए ये आपसे सिंपल पूछ रहा है, बाताबाती करते हैं ना हम लोग, आपस में बातचीत करते हैं ना भाई, तो पूछते हैं ना कि कई किस्म का होला रे, तो आप वाक्य 3 किस्म के होला, लेकिन आप वैसे नहीं लिखिएगा, आपका आंसर राइटिंग डिफरेंट होना चाहिए। तो आप किसी को अगर बता रहे हैं तो बताइए कि वाक्य एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। जैसे बताइए कि सुन बो कौन में बात के हमने बोली लनी तो के ध्वनि कहे ला, ठीक है, ध्वनि कहल जाए ला। और उस ध्वनि को अगर हम लोग लिख दिए हैं पेन और पेपर से, कॉपी और कलम से अगर लिख दे लेते हैं तो ओके है वर्ण कहल जाओला, और वह वर्ण कर समूह से शब्द बनौला, और यह शब्द कर समूह से वाक्य बनौला। तो उसको ना आप एक एरो मार्क से या फिर त्रिभुज बना के या फिर किसी भी तरह से आप बताइए कि पहला यहां पर हो गया वर्ण, वर्ण का समूह बना आपका शब्द, और शब्दों के समूह बना वाक्य। इस तरह से लिखिएगा, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डालिएगा तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। कहे कि परिभाषा और भेद सब कोई लिखेगा, आप क्या लिखिएगा, आपका कॉपी जो होता है, आपका आंसर राइटिंग जो होता है वो अलग होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए अच्छा, अब जो जो ज्वाइन कर चुके हैं पेड बैच, आप लोग सब के सब आज से ही आंसर राइटिंग आप लोग को हम लोग देंगे कि किस तरह का आंसर राइटिंग शुरू करना है। धीरे धीरे, अगर नहीं भी आता है नागपुरी ना तो धीरे धीरे लिखना शुरू कर दीजिए आज से ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति से जुड़ल 60 नागपुरी कहावत के ओकर अर्थ सहित लिखिए। देखिए नागपुरी कहावत के बारे में भी बतलाया गया है, इन जनरल जो है ना 6 प्रकार के कहावत होते हैं, तो उसी में से एक प्रकार हो जाता है सामाजिक या ज्ञान संबंधी कहावत या फिर नीति शास्त्र संबंधी कहावत। तो उसमें ना कोई भी 7, उसमें तो कई कहावत होगा। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं जी, कि भोज के दिनवा भतुआ कोहड़ा रोपत है रे, ऐसे करके बोलते हैं ना, भोजे के दिनवा भोज दिनवा कोहड़ा रोपे। तो ये एक तरह का नीति या फिर ज्ञान संबंधी, कि भाई आपका एग्जाम अभी है और आप मतलब जिस दिन मेंस है उस दिन पढ़ना शुरू करोगे क्या, मेंस के कुछ दिन पहले से पढ़ना शुरू करोगे, आंसर राइटिंग करोगे, तब तो मेंस में आपको अच्छा स्कोर आएगा। तो वही चीज है कि भोज दिनवा कोहड़ा रोपे, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उस तरह से आपको कोई 7 गुण लिख देना है और उसको अर्थ के साथ बता देना है। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी कर उदासी राग कर बारे में लिखिए। अब उदासी राग है, यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, राग होगा, एक लिखा गया है, ये हो जाएगा राग, ठीक है। अच्छा अब उदासी राग के बारे में भी बताना होगा भाई कि उदासी, उसका पूरा डिटेल जो है उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया गया, तो उस सबको देख लीजिए। हम आपको बता दिए हैं कि 7 नंबर का जो भी है क्या क्या करना है, 150 या उससे ऊपर रहना चाहिए, 1.5 पेज के लगभग, 1.5 पेज 1.25 पेज के लगभग आपको आंसर रेटिंग इसका होना चाहिए। एक से एक डायग्राम तो पक्का होना ही चाहिए,
ठीक है, इस सब बात को एकदम गांठ बांध के रखिए। अब आगे है, नागपुरी कर गीत मनक रचना विधान छंद कर विशेषता के बारे में लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना, वो सब कुछ हम लोग आपको कराएंगे। चलिए अब आगे बनता है, ये खंड का है तो एक 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है और देखिए 3 क्वेश्चन 20-20 नंबर का रहता है, समझ रहे हैं। इन जनरल 15 नंबर का जो क्वेश्चन रहते हैं ना, 15 नंबर का क्वेश्चन में 350 वर्ड्स होने चाहिए, 300 से 350 वर्ड मिनिमम होने चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा 350 वर्ड मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। और कोई भी 3 डायग्राम इसमें डालने की हम लोगों को जरूरत हो जाती है अगर परफेक्ट आंसर राइटिंग करना है तो, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब जैसे कि यहां क्वेश्चन है, नागपुरी गीत कविता में आधुनिकता कर कारक तत्व मन के उजागर करूं, ठीक है। अब सोचिए इसको 20 नंबर का दिया है तो आप लोगों को अभी एडवंकुरन का जो सीजीएल का जो पेड बैच था उसमें हम लोग आपको बताए थे नागपुरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य में नागपुरी में जो आधुनिकता आई थी उसके कारक की सबको हम लोग ना पॉइंट वाइज दिए हैं, ठीक है, कि किस तरह से नागपुरी का फिर से आपका उसको क्या बताएं कि नागपुरी जब विलुप्त होने लगा या फिर इसको तोड़ने की कोशिश की जाने लगी उस समय फिर धनीराम बक्सी का जो हितैषी कार्यालय से मतलब कि छपाई शुरू हुआ, ठीक है, गीतों का फिर एक वर्णमाले आया था, उसके बाद HMV कैसेट में फिर गाना आया, एक फिल्म बना, फिल्म में गीत सब आया, ठीक है। तो उसमें आधुनिकता किस तरह से आते गया है उसके बारे में आपको एक सिलसिलेवार ढंग से बुलेट्स के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, बुलेट्स ब्लॉक्स डायग्राम एरो मार्क ये सब आपको डाल के एक बहुत अच्छा किस्म का आंसर फ्रेम करना होगा और लिखना होगा। 350 मिनिमम, 3 इमेजेस या डायग्राम्स मस्ट, ठीक है, दिमाग में आ रहा है। 20 नंबर का सवाल में 350 वर्ड होने ही चाहिए और कोई भी 3 डायग्राम आपको घुसाना है। अब कैसे घुसाना है ये आपको अपना दिमाग लगाना है, ऐसे हम लोग आपको गाइड करेंगे। आगे है, नागपुरी में मौखिक परंपरा से आवल बाल गीत मनक के बारे में लिखिए। अब जैसे गो गो रानी, कितना कितना पानी, ये सब चीज जो है, जैसे हम लोग डोंगा पानी सब खेलते थे, तो वो सब चीज को ना आपको रिप्रेजेंट कर देना। आप सोचिए आप बनने वाले हैं क्या ऑफिसर, आपको ड्राफ्टिंग आना चाहिए, आप कल जाके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनिएगा, DSP बनिएगा, SDO बनिएगा, ठीक है। तो उन लोगों को ड्राफ्टिंग आता है कि बहुत सारे चीजों को संक्षेप रूप में इतना विस्तार पूर्वक बता दिया जाए कि लोगों को समझ में आ जाए और हर तबके के लोग समझ सकें। तो ऐसा ही लिखने का प्रैक्टिस अभी से कीजिए, अभी से समझिए कि हम ऑफिसर हैं और अगर हम अगर किसी को बताएंगे कि हम लोग बाल गीत कैसा कैसा यूज करते हैं तो कैसे लिखेंगे, कैसे समझाइएगा सामने वाले। रटने के लिए, रटने के उद्देश्य से मत पढ़िए, समझाने के उद्देश्य से पढ़िए कि भाई हम अगर लिख के दिए हैं तो इसको आप देखिए, इसको एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नागपुरिया में बाल गीत लोग कैसे करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, नागपुरी कहानी का उद्भव। अब कहानी और कथा जो होता है ना उसका उद्भव और विकास को सिलसिलेवार ढंग से लिखने के लिए बोला जा रहा है। देखिए जो सिलेबस में रहता है ना उसी को डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया गया है और वो आपके सामने रख दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, खंड ख में आते हैं। तो खंड ख आप देख लिए, उसका पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर करना बहुत जरूरी था। खंड ख में भी देखिए वही मार्किंग स्कीमा वही है, 7 मार्क्स का है। नागपुरी कवि घासीराम का कृति मनक चर्चा अपन शब्द में करूं, अभी इनकी जितनी रचनाएं हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। तो बूस्टर क्लास में आप लोग को ये सब बतलाया जा रहा था। फिर उसी तरह से हनुमान सिंह कर कोनो एक तो गीत कर आशय लिखूं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं ना उसमें मार्क्स नहीं मिलता, आप समझिए मेरी बात। अब गीत है और उसका आशय लिख देना है तो उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करके आप लोग लिखिएगा ना कि मान लीजिए कोई गीत है, ठीक है। अब जैसे इनका गणेश वंदना हनुमान सिंह की, अब हनुमान सिंह का गणेश वंदना जो है उसको एक लिख दीजिए पहले, ठीक है। अब उसका आशय कुछ इस तरह से लिखिए कि प्रस्तुत सुसंकलित पंक्ति ने कविवर हनुमान सिंह इस तरह से बताए है कहें, ऐसे करके लिखना शुरू कीजिएगा ना तो मतलब कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। शब्दों का चयन बहुत प्रॉपर होना चाहिए तभी सब में मार्क्स मिलेगा। है कि गीत और आशय लिखना वो तो एक तरह से एवरेज मार्किंग में चला जाता है इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग कोशिश, जैसे कि इसमें 5 क्वेश्चन को आपको लिखना है, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन में वैसे वैसे क्वेश्चंस को देखिए जो स्कोरिंग हो सके, ठीक है, जिसमें कि डायग्राम डाल सके, स्ट्रक्चर्ड वे में लिख सके, उस तरह के। आप जैसे कि कृति सब का चर्चा करना है, गीत का रचना लिखना,
तो उसमें भी आप लोगों को कोशिश यही करना है कि भाई मैक्सिमम चीजों को दर्शाया जा सके। ठीक है, अब आगे शारदा प्रसाद शर्मा कर कोनो एक ठो कीर्ति कर बारे में सब सेम क्वेश्चन है। फिर कृष्ण प्रसाद साहू, आपको 20 कवियों के बारे में पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, 20 कवि हैं। ठीक है, जैसा हम लोगों ने काउंट किया है 20 कवि, उसका जन्म स्थान से लेकर सारा कुछ और उनकी जो कृतियां हैं उस सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो देख लीजिए आप लोग। अब फिर अगला क्वेश्चन, नागपुरी गीत मन में बांग्ला कर प्रभाव कर बारे में लिखो। ठीक है, जैसे कि पोडली बरखा ऋतु, रघुनाथ नृपति जो पहले थे उनकी जो भी रचना थी, तो उसमें आप देखिएगा ना बांग्ला का प्रभाव, जैसे पोडली, पोडली का मतलब नागपुरिया में हो जाता है जलना। ठीक है, नागपुरी में पोडली मतलब कहा हो जाता है, पोडली का मतलब हो जाता है जलना, पोड़ गया करे, ठीक है, जल गया जी, और ऐसे पोडली का मतलब हो रहा है तो एक तरह का बांग्ला, पोडली मतलब हो गया गिरना, ठीक है, बारिश का होना को भी पोडली कहेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, पोडली बरखारी इस तरह से हम लोग पढ़े। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हम लोगों को बतलाना होगा। चलिए आगे बढ़े, सरहुल परब कर महत्तम के उजागर करूं। सरहुल परब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका एक प्रॉपर वीडियो हम लोग चैनल के माध्यम से आपको डाल देंगे। ठीक है, अब आगे हेट दिल गंदांस कर नागपुरी में अनुवाद करूं। देखिए इसका ना आपको सिलसिलेवार ढंग से अभी तक जितना भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ ना उसके इसमें जितना भी गद्यांश का नागपुरी में अनुवाद है इसको आप लोग शुरू कर दीजिए आज से, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आज से इसका आप लोग क्या कहते हैं उसको रूपांतरण, नागपुरी में अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना आज से आप लोग शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, हालांकि इसका वीडियो जो है ना तोड़ तोड़ करके आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन आप लोग भी अपने हिसाब से लिखना इसको शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, नागपुरी कवि कंचन कर काव्य सुंदर के अपन शब्द में लिखूं। ठीक है, कंचन जो है कवि कंचन, उनके बारे में उनके सब कुछ पूरा रचना उचना जो है वो सब लिखिएगा कि भक्ति है तो सगुण भक्ति कैसे बतला रहे हैं, निर्गुण भक्ति कैसे बतला रहे हैं, ये सब कुछ आपको बतलाना पड़ेगा। ठीक है, और उसको भी कोशिश कीजिएगा ब्लॉक के रूप में, डायग्राम के रूप में बनाएं। ठीक है, जैसे भक्ति तो उसमें एक ऐसे करके लिख दीजिएगा, इसमें लिखिएगा सगुण, इसमें लिखिएगा निर्गुण। ठीक है, तो उस तरह से फिर बनेगा तो बढ़िया लगेगा, थोड़ा देखने में अच्छा रहेगा। फिर डॉक्टर बीपी केसरी का रचना मनक एगो सूची बना के कोनो एक ठो नागपुरी रचना, नागपुरी रचना कर समीक्षा करूं। ठीक है, अब इसका पूरा सूची मांग रहा है। ठीक है, अब उसका पूरा सूची मांग दिया है, उसके बाद फिर कोई भी एक ठो को उठा के आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे इनकी एक रचना है कौन सी, रद्दी कागज, तो रद्दी कागज को आप लोग लिख दीजिएगा, कहीं नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कि रद्दी कागज नामक जो अथी है, कहानी है, रचना है इनका, इसमें झारखंड के परिवेश को और जो पहले के लोग थे जो बने हुए थे वो कैसे आज उन लोगों की दुर्दशा क्या हो गई है उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उस तरह से जो भी एक व्याख्यात्मक तरीका है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे है सहिया प्रथा, या फिर झारखंड कर जलप्रपात ऊपरे एगो सुंदर निबंध लिखू। इया का मतलब होता है और। ठीक है, तो और का मतलब है या तो आपको सहिया प्रथा के बारे में लिखना है या तो आपको झारखंड का जलप्रपात के बारे में लिखना है। ठीक है, सहिया प्रथा का मतलब होता है ना कि एकता है हम लोगों में, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ठीक है, सब कुछ समान है, माने उसका निचोड़ यही है, मूल यही है। तो ये सब चीज को भी ना आपको एक सुंदरता के साथ, ठीक है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको ये सब कुछ लिखना है। तो देखिए यही 8 क्वेश्चन है, अब 8 में से आपको कोई 6 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, तो इसको आप लोग लिखेंगे और इसकी आपकी तैयारी करेंगे। तो ये देखिए आपको हम लोग बतला दिए हैं कि भाई कितने मार्क्स में कितने वर्ड्स लिखना है, किस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है, वो ज्यादा जरूरी है, क्या है कि कंटेंट सेम होता है, कोई भी लैंग्वेज पेपर है उसका कंटेंट बहुत सीमित होता है, सेम होता है, तो सब कोई सेम चीज पढ़ते हैं, लेकिन आपका लिखने का जो तरीका होगा ना वही आपको अलग बनाता है और वही आपको मार्क्स स्कोर करता है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में इन जनरल ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए इसमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डाल के एक डिफरेंट वे में पढ़ाई करने का। और वैसे एडु अंकुरण टीम के द्वारा आपको इसकी प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है आंसर राइटिंग के साथ, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर पेड बैच लेना चाहते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका जेपीएससी मेन्स आंसर राइटिंग नागपुरी में। आई होप ये वीडियो आज का आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।